हाँ जी गाइस, की हाल है? आई होप सो अच्छे बढ़िया होंगे। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। काफी सारे टॉपिक्स, वो भी आपके फेवरेट वाले, काफी सारे कमेंट्स आप लोगों ने कर दिए और आप मुझे याद कर रहे थे और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो अलग बात है गाइस। इस वीडियो में ना बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो को 2x पर देखो या 10x पर देखो कोई मसला ही नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखो बाद में ये ना कहना सिंड्रेला तुमने नहीं बताया। कल के दिन BGMI में आई थी M416 की है स्किन। अब समझ नहीं आ रहा गाइस, BGMI ग्लोबल को फॉलो कर रहा है या ग्लोबल BGMI को फॉलो कर रहा है। यहां पर एक चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, जब आप इसको अपग्रेड कर रहे थे गन को और जब यहां पर अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे तो ग्लिच का ऑप्शन शो कर रहा था। फाइनली 2MB का अपडेट देकर इसको फिक्स कर दिया गया। अब आप भी इस गन को अपग्रेड कर सकते हो। इसका किल इफेक्ट जो ग्रेनेड से होता है, जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, बस तो मुझे बहुत पसंद आएगी। कहीं मुझे रैंगल में आप लोगों ने देख लिया ना तो मुझे इसी से किल करेगा, मैं एनिमेशन भी देख लूंगी, प्लस आपकी KD भी मेंटेन हो जाएगी। यार एक ही KD क्या ही क्या है। टॉपिक पर आते हैं सिंड्रेला। सबसे पहले यहां पर ये वाली जो गन BGMI में आई है, पहली ऐसी गन है जो पहले BGMI में आई है और देन उसके बाद ग्लोबल वर्जन में आई है। मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल वर्जन में इसके रिडीम सेक्शन में शायद से आपको मिल जाएगी M4 की फुल क्रेट, उस पर भी आते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की है, क्रेट्स ऑलमोस्ट साथ में आ रही है और क्रेट्स ऑलमोस्ट साथ में जा रही है। और जैसे ही अल्टीमेट खत्म होगा दूसरा अल्टीमेट आ जाएगा, AWM वाला जो मैंने आपको क्रेट्स बताया था ना वो आ जाएगा। इसके रिडीम सेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि शायद से तीन से आपको M4 फूल की और स्कारल की और UMP की स्किन दे दे, लेकिन यहां पर रिडीम सेक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम हो चुका है BGMI में भी ग्लोबल वर्जन में। ये चीज अच्छी हुई है। सबसे पहले द फूल की ये क्रेट जो न्यू यूजर्स हैं उनको तो नहीं आइडिया होगा, बट जो ओल्ड यूजर्स हैं उनको तो खैर आइडिया ही आइडिया होगा। तो ये वाली क्रेट अगर किसी को चाहिए तो वापस से बैक होने वाली है। द फूल की ये क्रेट पहली M4 की, यहां पर आप स्क्रीन पर इसकी लीक्स देख सकते हो, तो उसके साथ आने वाली है आपकी UMP रेनबो स्टिंगर। ये वाली जो आप देख रहे हो ये भी जबरदस्त इसका एनिमेशन लगा और 5 वाली है तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। शायद से ये UMP मैं अपग्रेड करूं, डोंट नो, ड्रॉप द बेस। ये वाली जो गन है स्कारल की, ये भी बहुत जबरदस्त है। एडवांस मॉम के साथ साथ एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट इसका जबरदस्त है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि द फूल और ये वाली जो गन है ना ऑलमोस्ट मिलती जुलती है कलर कॉम्बिनेशन में भी और ऐसे भी। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि शायद से M4 के साथ ये दे देंगे, बट अब इसकी अलग से क्रेट आने वाली है लकी क्रेट के नाम से, जिसके अंदर आपको M416 स्कारल और साथ ही साथ UMP की स्किन और पैन की स्किन, इसका एक क्रेट आएगा BGMI में और ग्लोबल वर्जन दोनों में साथ में आने वाला है। एंड लेट्स सी अल्टीमेट के जाने के बाद देते हैं या इसका कोई भी एक लकी क्रेट दे देंगे। सो गारंटी वाला रिवॉर्ड थोड़ा सा चांसेस कम है, लेट्स सी। उसके बाद आते हैं दिल वाउचर्स पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। डील वाउचर्स होता है, कल के दिन मैंने आपसे कहा था ना कि कल के दिन ये अनलॉक हो जाएगा, फाइनली BGMI में अनलॉक हो गया। जो कार्ड पहले 3 डील वाउचर्स से आपको 30 UC के वाउचर्स मिलते थे, जैसे कि ग्लोबल वर्जन में अभी भी चल रहा है, लेकिन BGMI में अगर आप आओगे, जो कल लॉक था यहाँ अनलॉक हो चुका है। इवेंट वाले पे चलते हैं, क्या आपने नोटिस किया 50 UC वाउचर 4 डील वाउचर से, डील वाउचर से। ग्लोबल वर्जन में ये चीज़ें अच्छी नहीं, ग्लोबल वर्जन में ये वाला जो वाउचर है मैंने नोटिस किया ना प्राइम प्लस में दिया ना किसी में दिया, लेकिन BGMI में एक चीज़ अच्छी है गाइस, इस बात पर तो लाइक कर ही दो। सबसे पहले 50 UC के वाउचर्स तो बहुत जगह से मिल जाते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि और कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास ये डील वाउचर है 4, तो आप एक 50 UC का वाउचर ले सकते हो और पूरे अपडेट में शायद 20 times आप 20 वाउचर्स यहाँ से ले सकते हो। करीबन मान के चलो कि प्राइम प्लस में 18 वाउचर्स मिलता है, यहाँ से 20 आप ले सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ मिशंस दिए गए हैं, एक सूट मटेरियल पैक, जहाँ से आपको ये डील के वाउचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से जान लेते हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एक सूट मटेरियल पैक, यहाँ पर 1 time परचेस करोगे तो आपको 8 डील वाउचर्स मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता भी है कि ये वाउचर जो आप यहाँ से परचेस करने वाले हो, ये पैक जो परचेस करने वाले, एक्चुअल में कितने? यहाँ से कुल मिलाकर आपको 6 पैक्स मिल जाएंगे और एक पैक में आपको 8 वाउचर्स मिलेगा। तो कैलकुलेशन आप कर ही लेना, जैसे गो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये देख लो भाई, 999 में आपको एक बारी परचेस करना है। जब आप एक बारी परचेस करोगे ना तो आपको 8 डील वाउचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप देखिए बड़े अकाउंट्स आपके पास हैं और अगर आप UC वगैरह परचेस करते हो तो ऑफर अच्छा आपके लिए नहीं है, मेरे लिए ऑफर तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा ही है। तो यहाँ से अगर आप 5 times परचेस करोगे, एक वीक में एक बार परचेस कर सकते हो। दूसरा UC परचेस पैक है, अगर यहाँ पर देखिए ऑप्टेन द सिल्वर बुलेट AKM, अगर आप ये AKM परचेस करते हो और इसके साथ आपको कुछ मैचेस खेलना है, जैसे 5 क्लासिक मैचेस
मैचेस खेलने हैं, 10 मैचेस आपको क्लासिक मोड वाले खेलने हैं, फिर एलिमिनेट 10 एनिमीज करने हैं, फिर आपको 5 मैचेस अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने हैं। लेकिन ये AKM आपके पास होनी चाहिए। वेपन्स में जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए 540 की ये वाली AKM आपको परचेस करनी है, और इस AKM से आप वो मिशंस कंप्लीट करोगे तो आपको उतने सारे डील वाउचर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 डील वाउचर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। भाई आपको कुछ मैचेस खेलने हैं यहाँ से, तो सिंपल तरीके से यही वाले सिल्वर बुलेट AKM अगर आपके पास पहले से कहीं पड़ी भी होगी तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको जैसे परचेस करोगे तभी आपका यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, एंड देन ये सारे मिशंस आपके कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और भी कुछ फ्री वाले भी है, डोंट वरी गाइस, फ्री वाले भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट पहला UC परचेस वाला हो चुका है, दूसरा यहाँ पर है मिथिक एम्बलम, ये वाला अगर आप परचेस करते हो, आप एक पैक परचेस करते हो, तो अगर आप दो परचेस करते हो तो आपको यहाँ से 2 डील वाउचर्स मिल जाएंगे। फिर आपका ना ये कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब मान के चलो यहाँ पर पूरे कुल मिलाकर के 10 है, 10 अगर आप ये परचेस करते हो, जैसे 25 UC का एक होता है और डेली लिमिट है, अगर आप डेली इसको परचेस करना चाहो तो मैं आपके सामने परचेस करके भी बता देती हूँ। देखो मेरा लक देख लो गाइस, गारंटी में खाली एक मिला है क्रिस्टल, तो यहाँ से देखो एक परचेस मतलब 2 दिन में आपका एक कैलकुलेट होगा, तो आपको 2 डील वाउचर्स यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नीचे फिर से 4 आपको परचेस करना है, वो एक से लेकर के आप डायरेक्ट 10 दिन तक के परचेस करोगे ना, तो आपका ये पूरा यहाँ से डील वाउचर्स मिल जाएगा। तो कुल ऑलरेडी मिलाकर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 डील वाउचर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। अब आपको अगर यार सिंड्रेला फ्री कैसे, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेड हैं, उसको अगर आप परचेस करोगे तो आपको यहाँ से डील वाउचर्स फ्री मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ जो डील वाउचर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यार मेरा लक देखो, मेरे पास पता है कितने 28 डील वाउचर्स थे, मैंने वो मिनी क्रिस्टल्स ले लिया था। उसके बाद मॉडिफिकेशन मटेरियल्स पीसेस पैक भी है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देखो परचेस द मॉडिफिकेशन मटेरियल पीसेस पैक 5 times, अगर आप 5 times परचेस करते हो तो भी आपको यहां से डील वाउचर्स मिल जाएंगे। तो 164 का अगर आप ये वाला परचेस करते हो, इसकी डेली लिमिट है या वीकली है, हाँ डेली लिमिट है, तो अगर आप डेली इसको परचेस करते हो और अपना लक ट्राई करना चाहते हो, देखो यार ये भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है, इससे अच्छा तो 500 का एक मटेरियल्स ले लेते हो। यहाँ से आपको डील वाउचर्स के ये पीसेज अगर परचेस करने जाओगे तो आपको यहाँ से अच्छे खासे डील वाउचर्स मिल जाएंगे, 8, 8 करके 8, 8, 16, 8 के 24, अब बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, आता है पहाड़ा मुझे आता है, ठीक है, टेबल्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रोइंग पैक, दूसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ग्रोइंग पैक जब आएगा ना तो इसके जो मिशंस होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उसमें आपको कुछ परचेस नहीं करना पड़ता है। ग्रोइंग पैक के जो मिशंस आप कंप्लीट करोगे ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये ग्लोबल वर्जन के हैं, ग्लोबल वर्जन में अगर आप UC 200 परचेस करते हो आपको डील वाउचर्स मिल जाएगा। कस्टम पैक है जो कि BGMI में आने वाला है, तो कस्टम पैक्स में भी अगर आप यहाँ से कुछ मिशंस कंप्लीट करते हो तो डील वाउचर्स मिल जाएंगे। मतलब ये कस्टम पैक 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कस्टम पैक परचेस करोगे तो डील वाउचर्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे है, टोटल लॉगिन्स रिवॉर्ड है जो पहले BGMI में आया था, तो ये भी BGMI में आपको आगे देखने को मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सिंड्रेला और कहाँ से वाउचर्स ले रहे, देखो यहाँ से भी आप ले सकते हो परचेस बोनस से, यहाँ से 50 UC के वाउचर्स आप 1 time एक अपडेट में ले सकते हो, और ग्लोबल वर्जन में तो 60 UC के वाउचर्स दे दिए रॉयल पास वाले, बाकी रॉयल पास से भी ले सकते हो। लेट्स सी रॉयल पास में कितने हैं, 1, ठीक है, 1 मिल गया, उसके बाद 2, ठीक है, 2 मिल चुका है, 3, 4, 50 UC के वाउचर्स, पता है ग्लोबल वर्जन में ना 60 UC के वाउचर्स दे दिए, मतलब क्रेट 0 UC में आप स्पिन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, लाइक प्राइम प्लस सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ से अगर आप 449 का प्राइम प्लस परचेस करते हो तो आपको 18 वाउचर्स प्लस 30 UC के 10 वाउचर्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सिंड्रेला ये तो हम परचेस कर ले, लेकिन रिवॉर्ड्स मिलते कहाँ हैं, तो देखिए जी डिस्कॉर्ड पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर जनरल चैट पर अगर आप जाते हो BGMI सपोर्ट पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा प्राइम प्लस परचेस प्रॉब्लम और UC परचेस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जितने लोगों को भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ मॉड की तरफ से कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आए थे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। प्राइम एंड प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन इश्यूज, और ये काफ़ी सारे लोगों को था। हेलो प्लेयर्स, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस एनी ऑफ द इशू मेंशन बिलो रिगार्डिंग प्राइम एंड प्राइम प्लस मेंबरशिप, प्लीज़ शेयर योर UID इन द थ्रेड। अच्छा, सब्सक्रिप्शन नॉट एक्टिवेटेड आफ्टर मेकिंग परचेस, 2 प्रॉब्लम्स शो हो रही थी, सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड बट बेनिफिट नॉट रिसीव, तो कुछ टाइम का था, कुछ टाइम में काफ़ी सारे IDs यहाँ पर मेंशन की गई, शायद उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिला। आप भी ट्राई कर सकते हो जाकर के, अगर वहाँ पर अभी एक्टिवेट है वहाँ पर आप अपनी UID शेयर कर सकते हो तो कर देना, बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन पहले
कि ये सपोर्ट्स पर आया है, तो अब तक के तो वो फिक्स हो ही गया होगा, अपडेट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हो गई। पीके 3 के रिवॉर्ड्स भी मिल गए, वो तो मैंने कल के दिन आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप कल वाली वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताया है मैंने। अमेजिंग रिबेट नाम से, जैसे कि स्पेंडिंग इवेंट कह सकते हो, ग्लोबल वर्जन में फाइनली लॉन्च हो ही गया। काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे ग्लोबल वर्जन में, और यहाँ पर जो है कुछ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, कुछ मिनी मटेरियल्स मिल जाएंगे। अगर आप 3000 पर जाते हो तो आपको 2 एम्बलम मिल जाएंगे, इस तरह से। अच्छा, बात कर लेते हैं BGY में परचेस गिफ्ट कब तक देखने को मिलेगा अमेजिंग रिबेट के नाम से। अभी तो यूसी स्पेंडिंग भी आना बाकी है, प्लस साथ ही साथ परचेस यूसी भी आना बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ग्लोबल वर्जन में भी कुछ खास इवेंट नहीं आया है। पहले वाला इवेंट सही था कि 10,000 स्पेंड करने पर आपको 2 मटेरियल्स मिल जा रहे थे, लेकिन इस बार जो है, जब से ये मटेरियल्स AG करेंसी से आना स्टार्ट हो गया, अगर आप नोटिस करोगे तब से ही स्पेंडिंग इवेंट इन लोगों ने इतनी कंजूसी कर दी है ना कि समझ नहीं आता है, कंजूसी की भी हद होती है। मेरा बस चले ना गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट कर दो ना, अगर मैं चली गई इसके अंदर BGY में, तो मैं आपको ना 1,000 स्पेंड पर 10 मटेरियल्स दे दूंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ से तो मेरा लग कुछ काम नहीं किया, मैंने परचेस किया था मॉर्निंग के टाइम पे। बात कर लेते हैं BGY में स्पेंडिंग इवेंट कब तक देखने को मिलेगा। वैसे तो वीक 3 में आ जाता है स्पेंडिंग इवेंट, इस वीक चांसेस हैं कि देखने को मिले, नहीं तो फिर वीक 7 में आएगा, और इस रॉयल पास में आएगा और नेक्स्ट रॉयल पास में जाएगा। मतलब आपके पास ज्यादा चांसेस होगी, इस रॉयल पास में भी कुछ परचेस कर लोगे और नेक्स्ट रॉयल पास में। मैं तो मिशंस नहीं कर रही हूं, मैंने आपको भी काफी सारे लोगों को बोला है कि अभी इसके मिशंस कंप्लीट मत करिएगा, जब स्पेंडिंग इवेंट आ जाएगा तभी आप मिशंस कंप्लीट करेगा, तभी RP एक्टिविटी पैक परचेस करेगा। तो मैंने भी RP एक्टिविटी पैक परचेस नहीं किया है, तो आप भी वेट कर लीजिए। वैसे तो यहां पर सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट चले ही गए हैं, एक इवेंट चल रहा है, तो अब नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा यूसी धमाका वाला इवेंट, जो आप जिसका मैंने आपसे कल भी कहा था कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, शायद आपको आज देखने को मिल जाए, बट आज इन लोगों ने इवेंट दिया नहीं और ऑलमोस्ट इवेंट सारे जा भी चुके हैं। अभी फिलहाल रनअप में एक ही इवेंट चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको यूसी धमाका ही देना चाहिए, 100% चांसेस है, उसके बाद स्पेंडिंग इवेंट आपको चांसेस है कि इस वीक में, नहीं तो वीक 7 में देखने को मिले और फिर नेक्स्ट रॉयल पास में चले। स्पेंडिंग इवेंट का वेट करिएगा गाइस, इवेंट मिशंस वगैरह जानबूझकर मत कंप्लीट करिए, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो उसको हो जाने दीजिए, बाकी जानबूझ के कंप्लीट मत करिए मिशंस। RP एक्टिविटी पैक भी परचेस मत करिए, ठीक है, और यूसी धमाका इवेंट का वेट करिए, शायद आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, बट यूसी अभी परचेस मत ही करिएगा। देखिए, इतना भी यूसी ने, जब आपको पता ही है कि यूसी धमाका इसी वाले अपडेट में 2 बार आता है, तो पहला वाला वेट कर लीजिए, देन उसका आपका नेक्स्ट वाले मंथ में एक और एक आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कॉमेंट करिए, टेलीग्राम पर वॉइस मैसेज में आंसर कर दूंगी, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1 सेकंड, कहाँ जा रहे हो भाई, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया ना, ये वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है। 1 सेकंड रुक लो, पूरा सुन लो पहले। देखो यार, रेगुलर व्यूअर्स हो ना, तो आपको अटेंडेंस लगवानी पड़ती है इस इमोजी को कमेंट सेक्शन में सेंड करके, तो मैं समझूंगी कि आपने 12 मिनट तक वीडियोस देखी है। तो फटाफट से ये वाली इमोजी सेंड करिए, बदले में आपको हार्ट भी मिलेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।